अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नेक्स्ट डे और यहाँ पर मैं जो है कपड़े धोने लगी हूँ। कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो बस ये धो रही थी। और ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि मेरा जो बाथरूम का जो दरवाज़ा है पूरा गल रहा है। रोज़ाना सुबह उठती हूँ तो ये सब गंद रखा हुआ होता है, रात को कितनी भी सफाई कर लो सुबह उठो तो ये मतलब रखा हुआ ही होता है। मेरे ख्याल से ये बाथरूम गल चुका है। और यहाँ पे मैंने दोपहर का वाइट सूट था एक, वो मैंने पहले भी धो दिया था क्योंकि पहले वाइट कपड़े धोने चाहिए तो इसलिए वो साफ़ सुथरा होता है, इसलिए उसको पहले निकाल लूँगी बाद में इन कपड़ों को धोऊँगी। तो बस वाइट सूट भिगो के रख दिया है और अभी मुझे ये सब सफाई भी करनी है। किचन मैंने रात को ही साफ़ कर लिया था पर फिर भी एक शेल्फ़ वगैरह पे कपड़ा मार दूँगी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मैं कमरे में आ गई थी, सही है, और जो है जुनैन और मेरहा की थोड़ी मस्तियाँ दिखा रही थी आप लोगों को। मेरहा को तो आपने जो है ना बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देखा है क्योंकि वो अभी जो है वो माशाल्लाह से बड़ी हो रही हैं, अभी घुटनों घुटनों भी चलने लग गई हैं और उनकी शरारतें भी बढ़ गई हैं। और सबसे अच्छी बात उनकी मुझे ये लगती है कि जब उन्हें गुस्सा करो तो वो जो है वो एकदम सहम सी जाती हैं। और जो है इसे क्या कहते हैं, जुनैर काफ़ी ख्याल रखते अपनी बहन का, बहुत ख्याल रखते हैं, कुछ भी उसे खाने नहीं देते, कुछ भी उसे मुंह में नहीं लेने देते कि नहीं ये गंदा है, ये डटी है, आ करो निकालो, बहुत ख्याल रखते हैं माशाल्लाह जुनैर अपनी बहन का। और बस यही देख के मुझे मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। इन लोगों की हरकतें देखिए, देखिए जुनैर की आप हरकतें देखिए, बस जुनैर थोड़ी शरारती, ये वो इतनी तो शरारतें बच्चे में होती हैं, मैं कहती हूँ बहुत शरारती होते हैं बच्चे, मगर मेरा बेटा बिल्कुल शरारती नहीं है, ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करता, शरारती है पर बदतमीज़ नहीं। और यहाँ पे बस बच्चों के लिए मैंने कार्टून लगा देती हूँ तो ये लोग कार्टून को देखते रहते हैं और ये ना बस उसको समझ तो मेरे को बिल्कुल नहीं आती, बस वो रंगीन कलरफुल आता है तो बस उसको देखती रहती है, सारे ब्रेक्स देखती है, ऐड देख जितने भी ऐड डाल होते हैं बहुत शौक से ऐड देखती है। और जुनैर तो बिल्कुल मोबाइल जो है ना जैसे उसको फ्री मिलता है तो बोलता है मम्मा चूचू टीवी, मम्मा पोएम। तो हर बच्चा यही करता होगा, आप लोगों में से किन किन के बच्चे मोबाइल नहीं देते आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देते, मतलब मेरहा नहीं सिर्फ जुनैर, और मेरहा को भी बहुत शौक है, वो छीन लेती है अपने भाई से। तो बस यही चल रहा है। और अभी रात का टाइम हो गया था तो मैंने आज खाने में बनाया था लौकी गोश्त। तो ये ना सर्दियों की हमारी डिश, गर्मियों की डिश है हमारी, ये हमारे यहाँ लाजमी बनती है गर्मियों में। तो बस यहाँ पे मैंने ना लौकी और गोश्त को भून दिया था, बस इसमें पानी लगाऊंगी और फिर खाना तैयार हो जाएगा। और लौकी गोश्त बना था तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था और मैंने जो है थोड़ी सी मैगी बना ली थी और जुनैर और मेरहा और मैंने हमने थोड़ा सा बस ऐसे ही शुगर कर लिया था। लौकी गोश्त जो है ना मैंने बना हुआ था, मतलब मैंने रख दिया था, मैंने कहा रात को जब खा लेंगे दोबारा, क्योंकि ये हमने 5 बजे ही खा लिया था तो फिर अभी दोबारा खाएँगे। और यहाँ पर मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ, मैंने कोशिश करी है मेहंदी लगाने की तो वो नाकाम कोशिश है, ये बहुत ख़राब मेहंदी लगी थी। तो कोई मसला नहीं है, हाथ ख़राब हो गया तो क्या हुआ, कम से कम हाथ चलाना तो आएगा, मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगानी आती और बहुत शौक़ है मेहंदी लगाने का मुझे। तो बस यहाँ पे जो है मैगी तैयार हो जाएगी, फिर मैगी खाऊंगी, बस फिर वीडियो खत्म। ओके, अल्लाह हाफिज़।